ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मेरे ब्लॉग में आप बने रहना शुरू से लेकर एंड तक, तो मैं क्या क्या करूँगी आपको दिखाऊँगी सब कुछ। तो ये देखिए, एक ब्लाउज सिला है मैंने, ये देखिए ये सिला है मैंने ब्लाउज। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, अब वहाँ पे शुरू करती हूँ। आपको बताऊँगी शकरकंदी, शकरकंदी सब लोग जानते हैं, उसको कैसे उबालूँगी मैं, तो आपको दिखाऊँगी। ये मैंने ली है चूल्हे की, जो आग जलाते हैं ना उसकी, वो राख बोलते हैं, इसको गार भी बोलते हैं और बानी भी बोलते हैं। और ये लेके आई थी मैं 1 किलो शकरकंदी, तो अब इनको उबालूँगी कि इसमें गार डाल दूँगी इसको। ये देखिए, इसमें से मैं आधी सी इसमें डाल दूँगी, आधा कटोरा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसको मैं इसमें ऐसे फैला लूँगी, इसमें फैला लिया थोड़ी सी गार, आधी लिए, ज़्यादा नहीं ली मैंने। गार बिछा ली है मैंने इसमें कुकर में, और अब इसमें से मैं ये शकरकंदी ऐसे की ऐसे इसमें रखती हूँ उबालने के लिए। ये रख दी, जितनी आएंगी ना इसमें उतनी मैं रख दूंगी। ये देखिए, अब इसमें इतनी बची है, इसको हम कोई और दिन उबाल लेंगे। ये को रख लो, एक और रख लेती हूँ, इसमें है थोड़ी जगह, कर लेती हूँ जगह। नहीं, इसमें जगह जमाती हूँ इनको। ये देखिए, अच्छी तरह से ये जमा दी मैंने। अब इसमें मैं इतना सा पानी लूंगी बस, अब इसके इसमें जरा सा और लिया है बस, इसके मैंने इसमें छींटे दे दिए। अब इसका मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। अब इसको मैं रख दूंगी। अब इसमें कम गैस पे, मतलब फुल गैस पे 2 सीटी लगा दूंगी, फिर उसको बंद कर दूंगी। ये मैं कुकर में शकरकंदी उबाल दी है, और अब इस कुकर को मैं खोलती हूँ। इसमें 2 सीटी लगा दी मैंने। तो ये देखिए, ये कुकर खोल दिया, ये उबल गई शकरकंदी। अब मैं इनको में निकालती हूँ। देखिए, मैंने शकरकंदी छील के रेडी कर ली है, ये है हमारी शकरकंदी, अब हम इनको खाएंगे। पानी में तो ना लगती, पानी में ना है, राख में उबाली है ना, राख में उबाली है कुकर में। बिल्कुल चूल्हा को से स्वाद आ रहा है ना, चूल्हा को से। हाँ, तो ये शकरकंदी छील ली है, काटा पीटी कुछ भी नहीं कर रही मैं, और मैं इसको खाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। बिल्कुल वो गांव में चूल्हे में भूनते हैं ना उसके जैसे, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है इसका। तो इसको कुकर में लेके थोड़ी सी राख बिछा लो, उस पर शकरकंदी रख के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आधा कप भी पानी नहीं हुए उसके, 2-4 छींटे दे के, और बस सीटी लगा लो फुल गैस पे, 2 सीटी लगा लो, उसमें ऐसी उबल जाएंगी बिल्कुल चूल्हे के जैसे स्वाद आएगा। जैसे आलू की भी चटनी बनाते हैं ना, उनको भी ऐसे ही उबाल लिया करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गोभी का फूल है ये, और अब हम इसको कद्दूकस करेंगे इसमें। और मिर्च प्याज हमने ये कट कर ली है, और आटा भी मैंने गूंद। मैं इसको गोभी को कद्दूकस करके मसाला वसाला बनाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी।
शकरकंदी खाई, बहुत अच्छी लगी भाई साहब, बिल्कुल पुरानी यादें ताजा हो गई। पहले हम गांव में खाते थे हमारे, पर हमारे गांव में तो वो होती है सफेद कलर की शकरकंदी होती है, और यहाँ पे मिलती है वो थोड़ी पिंक पिंक ऐसी मिलती है। ये गोभी हमने कद्दूकस कर ली है, और अब इसमें मसाला वसाला मिलाते हैं। इसमें मसाले के लिए हैं धनिया, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, और ये मैं प्याज मिर्च डाल लेती हूँ फिर इनको मिला के। और मैं तो कच्ची के ही बना रही हूँ, काफ़ी ऐसे भी बनाते हैं गोभी को छोंक के मसाला बन जाता है वो छोंकने से, उसमें भी बनाते हैं, लेकिन आज तो मैं कच्ची गोभी के बना रही हूँ। फिर कभी मसाले वाली के बनाऊंगी तो फिर भी बताऊंगी आपको। तो मैंने तरह तरह चढ़ा दिया है गैस पे, और ये निकाल लिया है तेल, और अब शुरू कर रही हूँ बनाना मैं। ये रहा मेरा मसाला, देखें भाई कैसे बनते हैं पराठे हमारे। मसाला डाल रही हूँ मैं ये, अब इसको ऐसे बंद करती हूँ मैं तो। अभी ये खट्टा हो गया, इसको हटा लेती हूँ, नहीं तो मोटा मोटा हो जाता है बीच में। ये मेरा बेल चुका है, ये डाल देता है पे अब सेक। देखिए ये परांठा मेरा सेक चुका है, ये रहा, अब मुझे खाएगा हमारा परांठा। अब मैं दूसरा बन लेती हूँ, हाथते ही ले लूँ भाई, चम्मच खम्मन चंद चुका है सिस्टम। मसाला ज़्यादा भरूँ मैं या हमारे कम कम मसाला हमारे कोई खा में ना है। तो ये भर दिया है मैंने दूसरा, ये डाल दिया। अब बनाऊंगी मैं फटाफट फटाफट। ये देखिए हमारे मोहित ने कैसे कैसे स्टार बनाए, कटिंग करिए इसकी पिज्जा। भाई बहुत अच्छा बनया है, राम राम, आप भी खा लो, आ जाओ, परांठा अनोखा बनया है। ये देखिए भाई मेरे परांठे हैं, एक भी नहीं फूट रहा। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि गोभी परांठे फूट जाते हैं, हमारा तो नहीं फूट रहा, बस सब बना बना कर खिलाते हैं। ये देखिए हमारा दादा काय का परांठा और काय की रायता है। परांठा तो गोभी को आलू और घी, घी को चून और रायता वाको पालक वो मैंने बना लिए हैं परांठे और सबको खिला दिए, और अब मैं भी खा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये रही मेरी थारी, और आप बताना आपको कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। Thank you.